हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल वैश्विक विज्ञान में, जहां मिलेगा आपको ढेर सारा विज्ञान का ज्ञान। आप सब ने तो कैंसर का नाम सुना होगा। यह विश्व स्तर में मौत का प्रमुख दूसरा कारण होता है। लगभग 6 में से एक मौत कैंसर के वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं कैंसर का प्रमुख कारण और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला कारण, तंबाकू का इस्तेमाल। तंबाकू जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, इसका सेवन कैंसर को आमंत्रण देता है। स्मोकिंग से लॉन्ग्स, माउथ, थ्रोट, पैनक्रियास, ब्लैडर, किडनी कैंसर होने का चांस रहते हैं। जबकि तंबाकू चबाने से ओरल कैविटी और पैनक्रियास में कैंसर हो सकता है। अगर हम कोई सिगरेट या बीड़ी पीने वाले के पास भी रहते हैं तो हमें कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए तंबाकू का वर्जन करना ही बेहतर तरीका है कैंसर से बचाव का। लगभग 22% कैंसर से होने वाली मौत के लिए सिर्फ तंबाकू ही जिम्मेदार होता है। दूसरा कारण है हेल्दी डाइट का ना लेना। हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से मोटापा का खतरा रहता है और इससे कैंसर होने का रिस्क बना रहता है। एक हेल्दी डाइट के लिए आप मेडिटेरेनियन डाइट जैसे कि प्लांट बेस्ड फूड, फल, सब्जी, होल ग्रेन, दाल, लेग्यूम, नट्स, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इसके साथ साथ हाई कैलोरी फूड जैसे रिफाइंड शुगर, फैट फ्रॉम एनिमल सोर्स का अवॉइड करें। अल्कोहल लेने से ब्रेस्ट, कोलन, लॉन्ग्स, किडनी, लीवर में कैंसर होने के चांसेस रहता है, इसीलिए अल्कोहल से दूर रहें। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और कैंसर एजेंसी ऑफ WHO के मुताबिक बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट के खाना कैंसर होने का रिस्क को बढ़ाता है। तीसरा, सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है, जैसे कि स्किन कैंसर। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो कि स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ सावधानियां लेने से स्किन कैंसर से बचा जा सकता है। दिन में 10 से 4 बजे तक तेज धूप से बचें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जितने हो सके छांव में रहें। सनग्लासेस और टोपी का इस्तेमाल करें। शरीर के एक्सपोज्ड एरिया को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाएं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विद SPF 30 का इस्तेमाल चेहरे में करें। चौथा, कुछ वायरस कैंसर के कारक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस वायरस। एक तिहाई लीवर कैंसर का केसेस हेपेटाइटिस वायरस के वजह से होता है। इससे बचने के लिए डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन जरूर लें। पांचवा, असुरक्षित यौन संबंध से कैंसर होने का खतरा रहता है। ज्यादा लोगों के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध रखने से HIV तथा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण होने की खतरा रहता है। HIV एड्स से संक्रमित लोगों को एनस, लीवर और लंग्स का कैंसर होने का संभावना रहता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्विकल, पेनिस, वल्वा, वेजाइना और थ्रोट कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इससे बचने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। जो लोग इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं और उसी समय नीडल का शेयरिंग करते हैं, इससे HIV तथा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी संक्रमण होने का चांसेस रहता है, जो कि लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। छठवां कारण, फिजिकली एक्टिव ना रहना। इनएक्टिविटी और ओबेसिटी ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, लॉन्ग्स, पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस को बढ़ावा देता है। इसीलिए अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को रखें, जो कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में और कैंसर के रिस्क से बचाएगा। सातवां, समय पर शारीरिक जाँच ना होने की वजह से स्किन, कोलन, सर्विक्स और ब्रेस्ट के कैंसर ठीक हो सकते हैं, अगर ये शुरुआती के समय पर पता चल जाए तो। इसीलिए रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। और कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, विटामिन डी लें, अच्छी नींद की आदत डालें, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल टॉक्सिन जैसे बेंजीन, एस्बेस्टस फाइबर, एरोमेटिक एमिन से खुद को बचाएं। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे हम आपके लिए और ज्यादा ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना।